जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। रेडमी के 70, रेडमी के 70 प्रो और रेडमी के 70E रेडमी के तीन नए फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च हो चुके हैं। चलो इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ। इन तीनों में से कौन कौन से स्मार्टफोन्स इंडिया में कब आ रहे हैं, किस प्राइस पे आ रहे हैं, सारे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। रेडमी के 70 में आपको 6.67 इंचेस का एक 2K रेजोल्यूशन वाला TCL का CSOT C8 OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। देखो यार, ये जो डिस्प्ले टाइप है काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज आए हैं, आपको बहुत मजा आएगा डिस्प्ले यूज़ करते वक्त। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 2160 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है, 3840 हर्ट्ज का PWM-DC डिमिंग भी है। भाई ये तो अब नॉर्मल होता हुआ जा रहा है, बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स में अब देखने को मिल रहा है। यार ये जो PWM-DC डिमिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू आपको एकदम ना के बराबर देखने को मिलेगा, आंखों को थोड़ा सा राहत पहुंचेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको 526 का PPI देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा PPI है। HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, Zee Real, ये सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि डिस्प्ले एकदम बवाल है। 12-bit के कलर्स देखने को मिलते हैं, 10+2-bit = 12-bit के कलर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरे भाई मैं कहाँ पर चौंकाऊँ पता है? देखो यार, Xiaomi 14 सीरीज के साथ जब हम लोगों को पता चला कि 3000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा Xiaomi 14 सीरीज के फोन्स में, हम लोग काफी चौंक गए यार, 3000 nits बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद एक ट्रेंड क्रिएट हो गया, बहुत सारे फोन्स 3000 nits पीक ब्राइटनेस के साथ आने लग गए, iQOO 12 सीरीज को देख लो, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, तरक्की हो रही है, इसमें भी अपग्रेड देखने को मिला है। लेकिन यार रेडमी वाले अपने K70 Pro में 4000 nits का पीक ब्राइटनेस दे दिया यार, 4000 nits बहुत ज्यादा होता है, अब टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यार इतना ज्यादा। एक बात बोलूं, इससे भी ज्यादा पीक ब्राइटनेस आने वाला है, वो कब आएगा पता है? OnePlus 12 में। OnePlus ने क्या दिया, हम 4500 nits का पीक ब्राइटनेस देंगे। भाई क्या हो रहा है यार, देख रहे हैं इस साल के एंड तक, मतलब 2024 के एंड तक आपको 5000 nits वाला डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा। खैर डिस्प्ले के स्पेशलिटीज की बात की जाए तो यहाँ पर AI रेंडरिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या चीज है, जो Xiaomi है वो बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया है कि Redmi K70 सीरीज के फोन्स में AI रेंडरिंग मिलता है। इसके थ्रू आपको बेहतर विजुअल इफेक्ट्स, बेहतर एनिमेशन देखने को मिलेंगे। बेसिकली AI का हाथ है जो आपकी डिस्प्ले के परफॉर्मेंस को और लेवल अप कर देगा, जैसे कि ISP चिप करता है, लेकिन और बेहतर स्टाइल में। यहाँ पर आपको कलर रिप्रोडक्शन एक नंबर देखने को मिलेगा, लिटरली आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग होगा, इमर्सिव होगा, क्योंकि भाई 12 बिट का पैनल है, डॉल्बी विजन भी है, HDR10+ भी है, HDR Vivid भी है, Zee Real भी है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो भाई आप जब भी मूवीज देखोगे ना, आपका बहुत ही मस्त वाला एक्सपीरियंस रहेगा। और जो बंदे गेमिंग करेंगे ना यार, गेम्स के डिटेल्स, उनका जो कलर स्टाइल है, आपको बहुत दिल को छुएगा, एंड भाई आपका बहुत ही शार्पन एक्सपीरियंस रहेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है और ब्राइट डिस्प्ले तो है ही, डिस्प्ले एक नंबर है भाई, मतलब कि कह सकते हो जैसे 60-70 हज़ार रुपए के फोन्स में होते हैं वैसा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फ्लैट डिस्प्ले, बेजलेस डिस्प्ले, तो इसका अलग ही अपना रौनक है, स्टाइल है। चलो कैमरास की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 50 MP का वाइड एंगल कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 MP का मैक्रो। जो प्राइमरी कैमरा है वो लाइट हंटर 800 कैमरा सेंसर पे है, OIS मिल जाता है, साधारण शब्दों में कहूँ तो ओमनी विजन का कैमरा सेंसर है। और भाई ये बहुत अच्छा सेंसर है, ओमनी विजन के नए कैमरा सेंसर्स मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, काफ़ी अच्छे रिव्यूज भी इसके हैं। और जो 8 MP 2 MP के हैं वो भी ओमनी विजन के कैमरा सेंसर के साथ हैं। 16 का सेल्फी मिल जाएगा, वो भी ओमनी विजन के कैमरा सेंसर के साथ है। आप मेन कैमरा से 8K में 24 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 4K में 60 FPS पे स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो और फास्ट फोटोग्राफी भी। सेल्फी कैमरा से 1080p में 60 FPS पे। तो कैमरास अच्छे हैं, सेल्फी अच्छा नहीं लगा मुझे, सेल्फी और बेहतर हो सकता था 32 MP का, लेकिन जो मेन कैमरास हैं वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है Xiaomi Redmi। चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको Qualcomm का प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, जो 2024 में एकदम ट्रेंडिंग रहने वाला है, बहुत सारे लोगों के दिलों पर राज करेगा। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ये जो प्रोसेसर है 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, Adreno 740 का GPU मिल जाएगा। यार आप आराम से हाई ग्राफिक्स पे गेमिंग करोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन आपका हवा से बातें करेगा, मस्त प्रोसेसर है। हीट आपका फ़ोन ज़रूर होगा, लेकिन बहुत अच्छा VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, तो कुछ कंट्रोल ज़रूर होगा आपका फ़ोन, लेकिन ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, स्टेबल है, बैटरी भी आपको अच्छा निकाल के देगा, बस थोड़ा सा हीट हो जाता है, लेकिन स्कोर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, देख लो भाई परफॉर्मेंस वाइज आपको सब कुछ पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा आपको। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा,
UFS 4.0 का शो सपोर्ट, LPDDR5X RAM टाइप, 5000 mAh बैटरी भी है, 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और चार्जर बॉक्स पर रहेगा, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा, हाइपर OS पे रन करता है। मजा आ गया यार, MIUI के दिन अब गए, अब हाइपर OS के दिन आ गए हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है तो साउंड क्वालिटी एक नंबर रहेगा, वाईफाई 7 देखने को मिलता है मेरे भाई, जो काफी अच्छी बात है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है, NFC भी है और बहुत ही अच्छा VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छा X एक्सिस लाइन एंड मोटर है जो कमाल के आपको वाइब्रेशंस देगा, हैप्टिक्स बहुत अच्छे रहेंगे, 4D वाइब्रेशंस मिल जाते हैं, IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा, तो सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर दो और बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं जो आपको पता होना चाहिए। Xiaomi का P2 और G1 चिप ये क्या करते हैं, बैटरी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं और चार्जिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। बैटरी का हेल्थ आपका काफी अच्छा रहेगा, बैटरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा इस फोन में, इन फोन्स में, और चार्जिंग स्पीड्स भी आपको काफी अच्छी मिलेंगे। बेसिकली बैटरी का जो डिपार्टमेंट है बहुत दिनों तक आपका साथ देगा, हेल्दी रहेगा। अब बात करते हैं Redmi K70 Pro के बारे में। देखो मेरे भाई, Redmi K70 और Redmi K70 Pro एकदम सेम स्मार्टफोन्स हैं, जो जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। Redmi K70 में जो डिस्प्ले मिलता है वही Redmi K70 Pro में भी मिलता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। कैमरास वाले सेक्शन में चेंजेस किए गए हैं। Redmi K70 Pro में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो प्राइमरी कैमरा है OIS मिल जाता है, वही आपको लाइट हंटर 800 कैमरा सेंसर मिल जाएगा ओमनी विजन का, जो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है वहां पर आपको लाइट हंटर 400 कैमरा सेंसर मिल जाएगा, जो 12 मेगापिक्सल का है वहां पर ओमनी विजन का कैमरा सेंसर मिलेगा, वैसे तो सारे ओमनी विजन के ही हैं लेकिन उसका जो मॉडल नंबर है OV50D40 और जो सेल्फी है वो 16 मेगापिक्सल का ही रहेगा। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा, ये प्रो वेरिएंट था तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा और सुधर सकता था। आप मेन कैमरा से 8K में 24fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे और 4K में 60fps पे कर लोगे और सेल्फी कैमरा से 1080p में। देखो यार, सच कहूँ ना तो Redmi K70 Pro के कैमरा और सुधर सकते थे, और बेहतर सेल्फी कैमरा और अच्छा जूम, पेरिस्कोप, टेलीफोटो, ये सब चीज़ें होती तो अच्छा लगता, लेकिन ठीक है, क्या किया जाए, Redmi है भाई, Xiaomi नहीं है कि और अच्छे कैमरा देते, Xiaomi को भी तो देखना है। इसी वजह से Redmi कंट्रोल में आ जाता है कि नहीं भैया, कुछ कुछ कंट्रोल में आ जाते हैं, नहीं तो Xiaomi के नंबर सीरीज खतरे में चले जाएंगे। खैर, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको Qualcomm का नया नवेला प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 जो एक 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 750 का GPU मिल जाएगा। भाई ये प्रोसेसर काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग कर पाओगे एंड डे टू डे लाइफ में आपको काफ़ी मजा आएगा। रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है प्रोसेसर में, लेकिन Redmi वालों ने इस फीचर का इस्तेमाल नहीं किया अपने फ़ोन्स में, तकलीफ हुआ, लेकिन यार अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, काफ़ी मजा आएगा आपको। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.0 का शो सपोर्ट, LPDDR5X RAM टाइप, 5000 mAh बैटरी, 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और चार्जर बॉक्स में होगा, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स हाइपर OS पे रन करता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, साउंड क्वालिटी एक नंबर रहेगा क्योंकि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट यहां पर मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिल जाएगा, वाईफाई 7 है, NFC भी है और मेरे भाई बहुत अच्छा VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है, बहुत अच्छा X एक्सिस लाइनर मोटर भी है और IR ब्लास्टर भी मिल जाता है, तो सारी अच्छी चीजें यहां पर मिल जाती हैं, P2 G1 चिप ये सब भी देखने को मिल जाते हैं आपको। Redmi K70e की बात की जाए तो Redmi K70e में आपको 6.67 इंचेस का एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले मिल जाएगा, 120Hz रिफ्रेश रेट है, 480Hz का टच सैंपलिंग रेट है, 2160Hz का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट है, 1920Hz का PWM-DC डिमिंग भी है, 12 बिट के कलर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, और मेरे भाई डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है, DCI P3 कलर गैमेट भी है, HDR विविड भी है, जी रियल का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, 446 का PPI है और बेजल लेस डिस्प्ले है, ना के बराबर चेन मिलता है, काफ़ी अच्छे डिस्प्ले स्पेक्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यार सही बता रहा हूँ, ये जो फ़ोन है बवाल मचाने वाला है इंडिया में, काफ़ी अच्छे डिस्प्ले स्पेक्स के साथ ये बहुत अच्छे प्राइस पे भी लॉन्च होगा। मेरे को सबसे अच्छा बात लगा कि यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन एक नंबर मिलेगा एंड शार्पनेस भी अच्छा मिलेगा, PPI ज़्यादा है और 1800 नीट्स का पीक ब्राइटनेस टू डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट भी होगा। ओवरऑल ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है जो बंदे फिल्म देखना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं एंड जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि भाई सब जगह से ये कंप्लीटेड है,
बहुत ही अच्छा आपको कलर रिप्रोडक्शन भी दिया, शार्पनेस एक्सपीरियंस भी दिया, गेम के डिटेल्स भी एक नंबर रहेंगे और परफॉर्मेंस तो एक नंबर मिलेगा ही। चलो कैमरास की बात करते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का हमारा प्यारा दुलारा मैक्रो कैमरा सेंसर। तीनों ही कैमरा सेंसर ओमनी विजन के कैमरा सेंसर पे हैं। जो प्राइमरी कैमरा है OIS मिल जाएगा वहाँ पर, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है ओमनी विजन के कैमरा सेंसर के साथ। आप प्राइमरी कैमरा से 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, 4K 30 FPS पे कर पाओगे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। और सेल्फी कैमरा से 1080p में 60 FPS पे। देखो मेरे भाई, जिस प्राइस पे ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा उस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कैमरास और बेहतर हो सकते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, ये जो फ़ोन है ये परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस कर रहा है ना कि कैमरास के ऊपर। लेकिन एटलीस्ट डुअल कैमरा सेटअप देख के प्राइमरी कैमरा सही कर देते, या फिर प्राइमरी कैमरा हम लोगों को एक अच्छा सेंसर दे देता तो अच्छा लगता, क्या है कि कंप्लीट पैकेज बन जाता। लेकिन फिर भी अच्छे कैमरा से। चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मीडियाटेक का नया नवेला प्रोसेसर मिल जाएगा, मीडियाटेक डेमेसिटी 8300 अल्ट्रा। अब देखो यार, अल्ट्रा केवल ब्रांडिंग के लिए है, नाम तो उसका डेमेसिटी 8300 ही है। ये जो प्रोसेसर है सबसे पहले रेडमी K70E के साथ ही डेब्यू मारा है। ये जो प्रोसेसर है 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। माली G615 MC6 का GPU मिल जाएगा और 780 का APU है AI टास्क को करने के लिए। लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया Redmi इस फ़ोन में तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे भाई ये प्रोसेसर काफ़ी बवाल है, कमाल की गेमिंग आप इसके थ्रू करोगे। GPU इसका एकदम एक नंबर मिलता है यार। परफॉर्मेंस सेक्शन में आपको इतना मजा आएगा ना, आप बोलोगे भाई क्या बवाल प्रोसेसर है, दिल खुश कर दिया। 7 Plus Gen 2 से भी ज़्यादा अच्छा है ये, स्कोर्स तो यही कहते हैं, ऑन पेपर स्पेक्स भी यही कह रहे हैं। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.0 का शोई सपोर्ट, LPDDR5X RAM टाइप, 5500 mAh बैटरी, 120W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, 90W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। लेकिन यार ये भी बहुत ज़्यादा है, और चार्जर बॉक्स में रहेगा, एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, हाइपर OS पे रन करता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे और साउंड क्वालिटी एक नंबर रहेगा क्योंकि डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। और मेरे भाई वाईफाई 6 है, NFC है और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 भी है, तो सारी नई नई चीज़ें मिल जाती हैं। IR ब्लास्टर भी है, एक बहुत ही अच्छा VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन ठंडा रहेगा, और एक बहुत ही अच्छा X-axis LiDAR मोटर भी है जो कमाल के आपको वाइब्रेशंस और हैप्टिक्स देगा, 4D वाइब्रेशंस मिल जाते हैं यहाँ पर, तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और P2G1 चिप ये सब भी देखने को मिल जाते हैं आपको। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो Redmi K70 और Redmi K70 Pro दोनों स्मार्टफोन्स 8.21 mm के थिकनेस पे हैं, लेकिन Redmi K70 जो है वो 209 ग्राम्स के वेट के साथ है और जो Redmi K70 Pro है वो 198 ग्राम्स वेट के साथ है। Redmi K70E 8.05 mm की थिकनेस पे है और 198 ग्राम्स वेट है। डिज़ाइन वाइज तीनों स्मार्टफोन्स बिल्कुल सेम है, सेम फॉर्म फैक्टर्स हैं, डायनामिक्स में जो जो चेंजेस थे मैंने आपको बता दिए हैं, सेम डिज़ाइन है, आप पहचान नहीं पाओगे भाई तीनों में से कौन K70 है, कौन K70E है, कौन K70 Pro है। खास के यार K70 और K70 Pro तो एकदम सेम दिखाई देते हैं, पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं। जो भी चेंजेस हैं वो हार्डवेयर के अंदर में चेंजेस हैं। देखो यार कैमरास का स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देख सकते हो यार आजकल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैमरा स्टाइल्स निकल गए हैं, लेकिन कुछ कुछ तो कुछ ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में बहुत कुछ सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन यार रेडमी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी है, क्लासिक नहीं कहेंगे, काफ़ी मिनिमल है, मिनिमलिस्टिक है, एंड काफ़ी अच्छे वाइब्स आते हैं देखकर इसको। हाँ वो पता लगे कुछ बंदों को ये सस्ता डिज़ाइन लगेगा क्योंकि रियलमी ऑलरेडी बहुत टाइम पहले इन डिज़ाइंस को यूज़ कर चुका है, लेकिन रेडमी ने अच्छा काम किया यार। कह सकते हो यार कि ज़्यादा तरंगी डिज़ाइन नहीं है, सिंपल है एंड बेस्ट है भाई, ऑर्डिनरी सा भी नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। और मेरे भाई तीनों फ़ोन्स के जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा शांति ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं, एकदम शांत कलर्स हैं लेकिन बहुत अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, एंड भाई टेक्सचर जो है वो देखने में लग रहा है कि हाँ यार महंगा फ़ोन है, पैसे दिए हैं मैंने। तीनों फ़ोन्स के एक एक स्पेशल कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आप बताना आपको कौन सा कलर अच्छा लगा। खैर बिल्ड वाइज अगर बात करें तीनों ही फ़ोन्स आपको ग्लास बैक दे देते हैं, AG फ्रॉस्टेड ग्लास है। Redmi K70 और Redmi K70 Pro में आपको मेटल फ्रेम देखने को मिल जाएगा, लेकिन Redmi K70E में प्लास्टिक फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। तीनों ही फ़ोन्स में कोई भी IP रेटिंग देखने को नहीं मिलता है, तो मेरे भाई दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। चलो अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये तीनों स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हो चुके हैं,
Redmi K70 का जो बेस वेरिएंट है वो है 12GB RAM प्लस 256GB स्टोरेज 29,400 रुपये 29,400 रुपीज़। बाकी RAM वेरिएंट्स के प्राइसेस आपको कन्वर्ट करके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। Redmi K70 Pro का जो बेस वेरिएंट है वो है 12GB RAM प्लस 256GB स्टोरेज 39,400 रुपीज़ 39,400 रुपये। और जो बाकी प्राइसेस हैं आपको कन्वर्ट करके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। यार 24GB RAM वाला वर्जन भी दिया Redmi, कमाल की बात है। Redmi K70e का जो बेस वेरिएंट है 12256 है 23,900 रुपये भाई साहब, 24,000 रुपीज़। और जो बाकी प्राइसेस हैं आपको कन्वर्ट करके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लगे प्राइसेस। सच कहूँ तो यार प्राइसेस काफ़ी अग्रेसिव है, चाइनीज प्राइस होते हुए भी Redmi ने बहुत अच्छे प्राइसेस रखे हैं, दिल खुश हो गया। चलो अब बात करते हैं तीनों में से कौन कौन से स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे, कब तक लॉन्च होंगे, किस प्राइस पे लॉन्च होंगे। देखो यार Redmi K70 Pro तो इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला, ठीक है। जो Redmi K70 है वो इंडिया में Poco F61 के लॉन्च होगा, हमारे हिमांशु टंडन सर तो टीज करना भी चालू कर दिए हैं। जो Redmi K70e है वो इंडिया में Poco X6 Pro 1 के लॉन्च हो जाएगा। अब रहा सवाल कि कब तक लॉन्च होंगे, जनवरी का मेरे को पता चला है टाइमलाइन कि जनवरी में ये दोनों फोन्स इंडिया में आ जाएंगे। देखो यार Poco F6 तो गारंटी आएगा, और Poco X6 Pro की बात की जाए तो वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर भी कर चुका है, और भाई NBTC पे भी क्लियर किया है वो, तो मॉनिटर भी पता चल गया। और भाई मुझे जहाँ तक पता चला है ये भी Poco F6 के साथ ही लॉन्च होगा, सेम इवेंट होगा, ग्लोबल इवेंट भी होगा, इंडियन इवेंट भी होगा। अब रहा सवाल कि प्राइजेस क्या हो सकते हैं सुफियान भाई। देखो यार मुझे जो प्राइसेस पता चले हैं अगर वो मैं बताऊं तो Poco F6 आपको इंडिया में दिखाई देगा 40,000 रुपये के आसपास, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे ज़रूर आएगा। ये कह सकते हो कि मुझे एक रैम वेरिएंट का प्राइस पता चल गया है 39,999, 40,000 रुपये। और मेरे भाई जो Poco X6 Pro है उसका जो प्राइस होगा 29,999 होगा, 30,000 रुपये, या फिर कह सकते हो मुझे एक रैम वेरिएंट का प्राइस पता चला है। अब देखो यार आप अपने रिएक्शंस और ओपिनियंस कमेंट करके बताना कि आप कौन से फ़ोन के इंतज़ार में बैठे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ 40,000 रुपये में अगर Redmi K70 यानी कि Poco F6 लॉन्च हुआ तो दूर रहना, OnePlus 12R के चक्कर में पड़ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो Poco X6 Pro है ये बहुत ही मस्त फ़ोन होगा यार, 30,000 रुपये में बहुत अच्छा वैल्यू देगा एंड आपका दिल खुश कर देगा ये। यार अगर कुछ और मुझे पता चलेगा इन दोनों स्मार्टफोन्स के इंडियन लॉन्च को लेकर मैं आपको टेक न्यूज़ में तो अपडेट करता ही रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। हमें सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.